हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डरावनी दुल्हन की स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। और गाइस, इतने टाइम से गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में ये बात बनी हुई थी कि आखिरकार पोपटलाल की शादी यानी कि पोपटलाल की डरावनी दुल्हन के साथ शादी एक सपना थी, और इस सपने के साथ साथ पोपटलाल की शादी भी टूट गई। और जिसके बाद गोकुलधाम सोसाइटी में एक हंगामा मच चुका है, क्योंकि इस समय पोपटलाल ने डरावनी दुल्हन का जिक्र गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे डरे हुए मेंबर यानी कि चंपकलाल से कर दिया है। वो चंपकलाल जिसे कितने टाइम से लग रहा था कि हो सकता है कहीं उनका भ्रम ही तो नहीं, और गोकुलधाम के मेंबर्स ने भी उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ एक सपना था। लेकिन पोपटलाल के मुंह से सही सच्चाई सुनने के बाद अब पोपटलाल काफी डर चुके हैं, जिसके बाद में सामना करने के लिए रोशन सिंह सोडी ने उन्हें पिला दी थोड़ी सी शराब। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी चंपकलाल नॉर्मल रहते हैं तो इतने हंगामा करते हैं, और शराब पीने के बाद उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। सो फिलहाल तो हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि चंपकलाल उस डरावनी दुल्हन को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि मोहनलाल के फ्लैट में जो कोई भी है वो सामने आकर चंपकलाल का सामना करे। सो गाइस, अब देखते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में आकर क्या होने वाला है, स्टोरी कौन सा नया मोड लेती है, और हमें कहानी में कौन कौन से और नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलने वाला है। सो इस स्टोरी के ट्रैक के बारे में आपके कमेंट्स हैं, आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।